बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो एमसीबी बैंक के हवाले से है। इसके अंदर मैं आपको एमसीबी का एक बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करता है उसकी डिटेल बताने वाला हूँ। अब आप इस अकाउंट को घर बैठे हुए भी ओपन करवा सकते हैं, आपको ब्रांच बैंकिंग की भी जरूरत नहीं है। और उसके अलावा जनवरी 2024 के नए रेट भी अनाउंस हो चुके हैं, उसके तहत आपको इस अकाउंट के ऊपर कितना प्रॉफिट दिया जाएगा और आप जो है वो कौन कौन सी फ्री सहूलियात इसके ऊपर दी जाएंगी, तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि बेसिकली मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि आपको कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग की समझ आ जाए कि अगर हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग मौजूद है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट क्यों करें। क्योंकि हलाल तरीके से कमाया हुआ एक रुपया भी कन्वेंशनल बैंकिंग यानी कि सूद से कमाए हुए हजारों रुपए के ऊपर भी ज्यादा बेहतर है। तो बेसिकली मकसद इस चैनल का यही था कि आपको इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का फर्क समझ में आ जाए कि जब आप कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो इस्लामिक तरीके से करें, चाहे उसके ऊपर आप जो है वो हलाल प्रॉफिट कमा सकें, सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकें। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में जो बैंक अकाउंट मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है एमसीबी का 365 गोल्ड अकाउंट। ये अकाउंट आपको महाना प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर आप 365 दिन प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले इसके की फीचर की अगर हम बात करें कि टायर्ड प्रोडक्ट फॉर हाई डिपॉजिटर डिजायरिंग हाई रिटर्न। बेसिकली इस अकाउंट के अंदर डिफरेंट किस्म के टायर बनाए गए हैं, स्लैब्स बनाई गई हैं कि आप जिस स्लैब के अंदर फॉल करते हैं आपको उसका प्रॉफिट दिया जाएगा। तो जो लोग ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं उनके उनके लिए जो है वो डिफरेंट किस्म की स्लैब्स बनाई गई हैं। इसके ऊपर अनलिमिटेड विड्रॉल और अनलिमिटेड डिपॉजिट भी दिया जाएगा। तो ये अभी इन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग लाई है कि पहले इसके अंदर अनलिमिटेड विड्रॉल और अनलिमिटेड डिपॉजिट नहीं था, तो अब आपको इस अकाउंट के ऊपर अनलिमिटेड विड्रॉल भी मिलता है और अनलिमिटेड डिपॉजिट भी मिलता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप इसके अंदर जितनी मर्जी आप विड्रॉल करवा सकते हैं, जितना मर्जी आप अपने अकाउंट के अंदर पैसे रखवा सकते हैं। उसके बाद आपको कंपेटिटिव रिटर्न दिया जाता है, आपको काफी ज्यादा रिटर्न इसके ऊपर दिया जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, आपकी जो है वो प्रॉफिट आपको एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर अगर आपका बैलेंस और है तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट भी डिफरेंट मिलेगा। दूसरे महीने आपका प्रॉफिट अगर आपका जो है वो बैलेंस अकाउंट के अंदर चेंज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसके ऊपर ही आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। आपकी आपको प्रॉफिट की जो पेमेंट दी होगी वो मंथली बेसिस के ऊपर होगी। मंथली आपके अकाउंट के अंदर इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट को 100 रुपए से ओपन करवा सकते हैं, ना ही आपको मैक्सिमम किसी किस्म की ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से इसको ओपन करवा सकते हैं। आपको जो चीजें सेल्फ सर्विस चैनल दिए जाएंगे वो एटीएम की सहूलत दी जाएगी, कॉल सेंटर की सहूलत दी जाएगी और एमसीबी की लाइव एप्लीकेशन की सहूलत दी जाएगी और एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, आपके सामने ये अप्लाई नाउ का बटन आ गया है। आपने सिंपल क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेलकम टू ई अकाउंट ओपनिंग पोर्टल, आपको आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके सामने काफी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे एक्सप्लोर के अगर बटन के ऊपर आएंगे तो यहाँ आप जो है वो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे करंट अकाउंट भी देख सकते हैं, उसके बाद जो है वो सेविंग अकाउंट भी देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन से है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आप जो है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपने जो भी अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के लिए आपका वैलिड आपका CNIC चाहिए होगा, उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा। उसके बाद अगर आप बैंक में भी जाते हैं तो फिर भी आपको जो है वो वैलिड आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा और अपनी सोर्स ऑफ इनकम आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर हम एक्सप्लोर के ऊपर आते हैं तो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट है। आपको यहाँ पे काफी ज्यादा एमसीबी के सेविंग अकाउंट मिल जाएंगे जिसके अंदर ये 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट भी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई के ऊपर आ जाना है आपने। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है या आपने ट्रैकिंग नंबर लिखना है, तो उसके बाद आपने सबमिट का बटन दबा देना है। तो जब आपने जो है वो स्टार्ट ओपनिंग, जब आपने अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू करना है तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है।
ठीक है, तो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो करना है। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन को कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अपना ये कैप्चा इधर टाइप करना है, अपना मोबाइल नंबर और ये तमाम डिटेल आपने यहाँ पे जो है वो लिखनी है। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, उससे आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आपने जो है वो काफी ज्यादा इसके एफएक्यूज है, अगर आप ये भी जो है वो पढ़ना चाहते हैं कर सकते हैं। व्हाट इज अ डिजिटल अकाउंट, हु कैन ओपन दिस अकाउंट, कोई भी पाकिस्तान का रिहायशी जिसके पास एक एक्टिव सीएनआईसी है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। और उसके अलावा काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन भी अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो जैसा कि बताया था कि जनवरी के प्रॉफिट रेट भी आ चुके हैं, तो जनवरी में जो बैंक ने प्रॉफिट रेट अनाउंस किए हैं वो जो है वो गोल्ड अकाउंट के ऊपर जो है वो 20.50 का प्रॉफिट दिया है। बेसिकली डिफरेंट किस्म की स्लैब्स इसके अंदर आ जाती हैं, तो उन स्लैब्स का प्रॉफिट जो है वो 20.50 है। अब अगर जो है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताई जाए कि इसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लाख रुपए की यहाँ पे बात करता हूँ, उसके ऊपर 20.50 का जो प्रॉफिट दिया गया है वो है 20,000 रुपए। अब आपने जो है वो अगर आप फाइलर है तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप नॉन फाइलर है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। जकात आपके ऊपर काटी जाएगी, अगर आप जकात एग्जेम्पशन फॉर्म देते हैं तो आपकी इस सेविंग अकाउंट के ऊपर जकात भी नहीं काटी जाएगी। तो ये बेसिकली एनुअल प्रॉफिट है जो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर इस अकाउंट के ऊपर दिया जाएगा। तो मंथली आपने कैलकुलेट करना है तो इसको आपने 12 से तकसीम कर देना है, तो ये बेसिकली मंथली 1452 रुपए आपको दिए जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग अवेलेबल हो और हमें कन्वेंशनल बैंकिंग की जरूरत नहीं है तो लिहाजा हम इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली एमसीबी का ये सेविंग अकाउंट जो है ये कन्वेंशनल बैंकिंग के जुमरे में आता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं एमसीबी के अंदर अकाउंट ओपनिंग करवाने गया था तो उन्होंने मुझे सेविंग गोल्ड अकाउंट का कहा था। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये इस्लामिक बैंकिंग है या कन्वेंशनल बैंकिंग है, तो बताया गया कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। तो फिर मैंने एमसीबी के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करवाया था, सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाया था। तो लिहाजा आप भी जो है वो कि कोई भी इस्लामिक बैंक चूज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर आपको काफी ज्यादा इस्लामिक बैंक और उनके प्रॉफिट रेट भी मिल जाएंगे। अपनी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको नेशनल सेविंग के इस्लामिक स्कीम के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि उसके ऊपर आपको कितना जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आपके पास इस्लामिक बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपने कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें इस्लामिक बैंकिंग का 1 रुपया भी सूद से कमाए गए 1000 रुपए के ऊपर भी बेहतर है। तो बेसिकली मकसद भी यही है कि आपको कन्वेंशनल बैंकिंग से हटाकर इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लाया जाए ताकि आप सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकें और हलाल प्रॉफिट कमा सकें। तो यही था बेसिकली आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।